आज हम बना रहे हैं मैंगो ट्राइफल। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैकेट मैकविटीज़ डाइजेस्टिव बिस्किट, आप कोई और भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, दो मैंगो लिया है, क्रीम लिया है, 4 से 5 चम्मच शक्कर लिया है, और मैंने विपिंग पाउडर लिया है, ये विपिंग क्रीम का पाउडर आता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं। अब ये मैंने दो मैंगोज़ लिए हैं जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, एक मैंगो की हमें प्यूरी कर देनी है, तो ये हम रख देंगे। एक मैंगो को हमें फाइनली चॉप करना है, तो अच्छे शेप के आप मैंगोज कट कर लीजिए। तो ये हम एक मैंगो को अच्छे से कट कर लेंगे। ये हम इसको फाइनली चॉप कर देंगे। और जो दूसरा मैंगो है ना, इसका हमको प्यूरे बनाना है, ये हमने चॉप कर लिया, इसको हम अलग से रख देंगे। अब दूसरा वाला जो मैंगो है, इसको आप कैसे भी कट करिए, क्योंकि इसको हमको पेस्ट बनाना है, तो मैं इसको कट कर लूँगी। जो ये मैंगो मैं कट कर रही हूँ, ये और जो शक्कर हमने दिखाई थी, उसको एक साथ डाल के हमको उसका एक पेस्ट बना लेना है। तो ये मैं कट कर लूँगी एक साथ। ये मैंने प्यूरे के लिए कट कर लिया है, मैंगो प्यूरे इसका बनाना है हमको। तो हम अब क्या करेंगे, एक जार लेंगे, उसके अंदर शक्कर और मैंगो डाल देंगे। इसमें हम मैंगो और जो हमारे पास शक्कर थी, आप शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि सारी चीज़ें ही मीठी हैं, तो मैंने शक्कर सिर्फ 4 चम्मच यूज़ की है, ये मैं इसके अंदर डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट यहाँ बन गया। अब मैं एक बाउल लूँगी, इस बाउल में मैं ये पेस्ट निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल लिया है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्रीम दिखाई थी, आप कैसी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, मैंने अमूल क्रीम यूज़ किया है। इस क्रीम की मैं 4 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मैं इसको मिक्स कर दूँगी। ये मिक्स हो गया, ये मैं अलग से आप फ्रिज में जाके रख दूँगी। उसके बाद का प्रोसेस है, मैं विपिंग क्रीम बनाऊँगी। अब ये मेरे पास पाउडर है, ये दो तरह के मैं यूज़ करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब 6 टीस्पून विपिंग पाउडर इस बाउल के अंदर ले लूँगी। 5-6 टीस्पून, मुझे एक मोटी लेयर बनानी है, तो मैं ऐसे इसका 6 टीस्पून ले लिया है मैंने। और उस अब इसमें क्या करना है, एकदम चिल दूध डालना है, जितना टीस्पून हमने लिया है विपिंग पाउडर, उतना ही हमको दूध भी डालना है इसके अंदर। तो मैं 6 टीस्पून दूध डाल दूँगी इसके अंदर। और इसको आप जब भी विपिंग पाउडर यूज़ करिए, तो उसको फ्रिज में रख के यूज़ करिएगा, नहीं तो वो पिघलने लगता है, और चिल्ड ही हमेशा दूध आपको इसमें इस्तेमाल करना है। वैसे आइडियली तो इसको बर्फ़ के ऊपर रख के किया जाता है, पर मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अब मैंने एक बीटर लिया है, उसमें मैं ये विपिंग क्रीम को विप करूँगी, विपिंग पाउडर जो है उसको विप करूँगी, और अच्छे से हाई उस लेवल पे आपको इसको 5 मिनट के लिए कॉन्टीन्यूसली आपको इसको बीट करना है, जब तक ये एकदम भी लिक्विडी फॉर्म में ना रहे, ये एकदम थिक हो जाए। ये देखिए, ये मैंने कॉन्टीन्यूस किया है, ये अब एकदम थिक हो गया है। ये आप इसकी पीक देखिएगा, मैं उठाऊँगी तो एकदम शार्प रहेगी, ये गिरेगी नहीं, ये एकदम शार्प है, गिरेगी नहीं है। तो ये अब विप हो चुकी है। 6 टीस्पून मैंने लिया था और उसमें 6 ही टीस्पून मैंने मिल्क डाला था। अब हम लेयरिंग करेंगे। मैकविटीज़ डाइजेस्टिव बिस्किट है हमारे पास, और मैंने ये जो एकदम फाइनली चॉप मैंगोज दिए थे वो है, और ये हमारी विप्ड क्रीम है, और जो हमने मैंगो प्लस क्रीम का प्यूरे बनाया था शक्कर डाल के, वो ये है। अब मैं विपिंग क्रीम में से 2 चम्मच लेकर, बड़े चम्मच लेकर, और ये जो हमने मैंगो का प्यूरे है उसके अंदर डाल देंगे हम, एक और दूसरा भी चम्मच ले लेंगे, और प्यूरे को मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो जो मैंगो प्यूरे है ना, वो मैंगो प्यूरे प्लस शक्कर प्लस क्रीम प्लस 2 चम्मच ऑफ विपिंग क्रीम,
ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये हो गया, अब हम लेयर लगाएंगे। तो मैंने एक ये अच्छा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं सबसे पहली लेयर मैकविटीज डाइजेस्टिव बिस्किट्स की डालूंगी। ये हम नीचे लगा देंगे, उसके ऊपर जो हमारी ये अब प्यूरे है मैंगो वाली, मैंगो प्लस क्रीम प्लस विपिंग क्रीम, आप विपिंग क्रीम पूरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मुझे अलग से लेयर इसकी ज़्यादा टेस्ट में अच्छी लगती है तो मैं अलग से रखती हूँ। ये हम एक लेयर इसकी डाल देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस लेयर के ऊपर हमको मैंगोज़ जो ये हमने कट किए थे, ये मैंगोज़ इसके ऊपर डाल देंगे। ये मैंगोज़ हम पूरे अच्छे से भर देंगे और जो हमारे पास बची हुई और प्यूरे है वो उसके इसके ऊपर अब मैंगो के ऊपर हम डाल देंगे। ये प्यूरे हम मैंगो के ऊपर डाल देंगे। एक दो चम्मच आप बचा लीजिएगा क्योंकि वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अभी सारी डाल दीजिए, ये डल गई। अब इसके ऊपर हम एक और बिस्किट की लेयर, मैकविटीज बिस्किट की लेयर हम इसके ऊपर एक और डाल देंगे। ये हमने पूरी लेयर डाल दी है। अब जो हमारे पास विपिंग क्रीम थी वो विपिंग क्रीम अब हम टॉप लेयर पे डालेंगे। आप प्यूरे के साथ भी डाल सकते हैं पर ये अलग से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए आपको अलग से ही बोलूँगी डालने के लिए। तो ये हमने इसके ऊपर डाल दिया और हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे पे। ये हम अच्छे से इसको कर दिए और जो मैंने बताया था कि प्यूरी के एक दो चम्मच आप बचा लीजिएगा वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, इससे हम गार्निश कर देंगे ताकि ये दिखने में अच्छी लगे, टेस्ट के साथ साथ दिखने में भी प्रेजेंटेबल हो। अब मैंने एक टूथपिक लिया है, अब जो मैंने प्यूरे गिराया था उसको सर्कल सर्कल में मैं घुमाती जाऊँगी तो ये एक अच्छी सी डिज़ाइन बन जाएगी इसके ऊपर। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप खाली इसके ऊपर मैंगोज़ भी रख सकते हैं, मैंने ऐसे कर दिया मेरे पास था। अब इसके ऊपर मैं जो मेरे पास मैंगोज़ बचे हुए थे उनसे भी थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूँगी। अब ये यहाँ पर ये हमारी लेयरिंग सारी हो गई है। अब जो साइड साइड में कुछ लगा है वो आप टिश्यू पेपर से साफ़ कर सकते हैं और अब ये यहाँ पे तैयार है। ये इसको अब आपको लेयरिंग या कुछ भी नहीं करना, अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। मैंने 3 घंटे के लिए रखा था क्योंकि ये एकदम सेट हो जाता है, एकदम से मत खाइएगा, इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में 2 से 3 घंटा रखने के बाद, ये मैंने 3 घंटे के बाद निकाल लिया है फ्रिज से, फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। 3 घंटे के बाद ये मैंने निकाल लिया है। और आप बिस्किट की फ़िक्र मत करिएगा कि वो क्रंची लगेगा, ये नहीं, वो एकदम सॉफ़्ट हो जाते हैं क्योंकि हमने लेयर्स डाली थी ना वो मैंगो प्यूरी की, तो वो उससे सॉफ़्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए एकदम सेट हो चुका है, मैंने इसको निकाला है तो एकदम थिक सा हो गया और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसा बना था। तो ये अब आप सर्व कर सकते हैं।